रंगभूमि का आइडिया आपके पास कैसे आया? रंगभूमि का आइडिया ऐसा आया कि मैं ओम निर्भर बनाया मैंने तो मेरा एक दोस्त था, एक साइको एनालिस्ट, तो मैं उनके पास गया कि मित्र अब मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या जीवन में करना चाहिए। तो मुझे बोला, कमल तुम एक काम करो, व्हाई डोंट यू मेक ए फिल्म ऑन समथिंग, व्हाट इज इमेजिनेशन, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और व्हाट इज लर्निंग इट्सेल्फ, किस तरह से हम सीखते हैं और क्यों सीखते हैं और कहाँ से सीखते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में तुम पता करो और उसके बारे में फिल्म बनाओ। तो उन्होंने एक फिल्म मेकर हुआ करता था एलन रहने करके, तो उनकी एक बड़ी अद्भुत फिल्म थी माय अंकल फ्रॉम अमेरिका। तो उसमें क्या है कि एक कोई एक किताब थी एक किसी बायोलॉजिस्ट की, तो उसमें ह्यूमन वो जो ह्यूमन बिहेवियर और चूहों का बिहेवियर जो है उसको कंपेयर किया था उसने। तो एक टेक्स्ट था बायोलॉजी का और उसके बेसिस पे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में कहानियाँ बनाई थी, पर द होल फिल्म वॉज बेस्ड ऑन ऐसे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इमेजिनेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके बारे में कुछ किया जाए और लर्निंग। मुझे एक 15 पेज की किताब हाथ में लगी दादासाहेब फाल्के के ऊपर। तो दादासाहेब फाल्के की कथा इस प्रकार से है कि एक छोटा सा नासिक का है, उसके पास में एक धार्मिक नगरी है त्र्यंबकेश्वर। तो वहाँ ये इनके पिताजी जो थे, मतलब एक शास्त्री थे, भक्त थे और एस्ट्रोनॉमर थे, और ये फाल्के थे। तो बचपन में इन्होंने कहानियाँ सुनी, कथाएँ सुनी, रंगोली करते थे, मंदिरों में घूमते थे। तो बचपन में संस्कार इनको अपने पिताजी से जो मिले तो वो कथाओं के थे और शास्त्रों के थे। फिर वहाँ से ये बम्बे आए और वहाँ उन्होंने एक स्कूल किया, ये जे स्कूल में गए, जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है, तो वहाँ उन्होंने ड्राइंग, ट्रेसिंग, मोल्डिंग की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से वो बड़ौदा गए, बड़ौदा में फोटोग्राफी तब आई थी, वो प्रिंटिंग आई थी, तो उन्होंने जाके फोटोग्राफी सीखी, प्रिंटिंग सीखी और दूसरी कला विधियाँ जो है वो सीखी वहाँ। फिर वो एक शहर है गोधरा, उसके पास में जहाँ ये कांड हुआ था बहुत भयंकर, तो वहाँ वो स्टूडियो खोला उन्होंने फोटोग्राफी का। मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये है 1870 में इनका जन्म हुआ है, तो ये बात 1885 में जे स्कूल में गए और 2 साल थे शायद, तो फिर 90 में पास हो गए वो कला भवन से। फिर ये 96 के आसपास करीब गोधरा में थे, तो ये फोटोग्राफर थे, तो वहाँ प्लेग वगैरह फैला, तो इनको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि लोग बोले कि ये फोटोग्राफी जो जादूगरी है, शायद इसकी वजह से प्लेग फैला हो इस तरह से, तो वहाँ रह नहीं पाए। उस प्लेग में इनकी एक जो पहली पत्नी थी उनका देहांत भी हुआ। फिर ये बड़ौदा आए और वहाँ जाके इन्होंने जो नाटकों में जो बैकड्रॉप बनाते हैं वो पेंट करना शुरू किए। फिर उधर उनकी दूसरी शादी हुई, तो फिर वो जाके एक ड्राफ्ट्समैन बने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और पुणे में। फिर वहाँ से उन्होंने लोनावाला गए, वहाँ जाके एक प्रेस खोली उन्होंने राजा रवि वर्मा के साथ लिथोग्राफी की। फिर वहाँ से उनको एक सेठ मिला, उन्होंने जर्मनी भेजा 1908 में, वो जाके हाई टेक 3 कलर प्रोसेस प्रिंटिंग सीख के आए और ये बॉम्बे में आके बहुत बड़े प्रिंटर हो गए। फिर इन्होंने, आप जैसे जानते हैं अपन सब, 1912 में राजा हरिश्चंद्र बनाई और फिल्में बनाई इन्होंने। फिर जाके 1930 में इन्होंने 1931 में उन्होंने एक टॉकी बनाई, पहले साइलेंट थी वो सेतु बंधन, फिर उसको बाद में टॉकी बनाया उन्होंने और सेतु बंधन।
फिर उसके बाद उन्होंने 36 में 38 में बहुत अद्भुत फिल्म बनाई गंगा अवतरण। तो इनका जो जीवन जो है, मैंने बोला कि अगर मैं इस जीवन को स्टडी करूं तो मैं कितनी विधाओं से गुजरूंगा। तो मैंने बोला कि इन पे क्यों नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं खुद भी सीखूंगा और ये जो है जिसने जीवन भर सीखा है और जैसे जैसे समय बदलता गया उसके साथ में ये आगे बढ़ते गए, तो मुझे लगा ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो मैंने क्या किया कि इनका जो जीवन है 1870 से लेके 1944 तक, उसको एक टाइमलाइन बनाया, मतलब हर साल एक साल दो साल तीन साल, तो उनके जीवन में जो प्रमुख घटनाएं हुई उसको मैंने अंकित किया वहाँ पर, और साथ में जो समाज में हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, वो बाजू में करके, और जाके मैं जो भी रिसर्च मेरे को मिलती थी उस 71 के बारे में मैगजीनों में ये करके उस किताब में काट काट के लगाता रहता था। तो इस तरह से एक किताब बनाई मैंने। धीरे धीरे इसके जीवन में कौन कौन करेक्टर हैं, तो करीब 138 करेक्टर मुझे दिखे। मैं फिर उनको समझने के लिए उनकी जीवन में जाता था और उनकी बायोग्राफीज में घुस जाता था, तो बहुत फैलता जाता था, बहुत फैलता जाता था। पर मैं सोचता था कि मतलब अभी काफ़ी नहीं है, अभी काफ़ी नहीं है, थोड़े थोड़े विचार आते थे। फिर एक करीब 2006 में हम लोगों ने एक फाल्के साइट बनाई, नेट आ गया था तब, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी रिसर्च डाली। 2006 में क्या हुआ कि मुझे कहीं से एक फंड मिला कि मैं और 5 लड़के FTI के, हम लोग सब शहर जाएंगे, नासिक बड़ौदा जहाँ जहाँ फाल्के रहे थे, तो नासिक है, बॉम्बे है, बड़ौदा है, बड़ौदा के बाद पूना है, गुजरा है, बनारस है, कोल्हापुर है, ये जाके वहाँ जाके हम लोग वहाँ के जो लिटरेचर के या कला के जो छात्र हैं उनके साथ वर्कशॉप करेंगे, और उस शहर में और फाल्के का क्या संबंध है, वो काल है जब वो फाल्के उस शहर में है, उसके बारे में कहानियाँ जो है ना लिखा करेंगे। तो हम लोग कहानी, तो मतलब मैं सोच रहा कहानी मिलेगी तो मेरे को स्क्रिप्ट में हेल्प हो जाएगी, मतलब वर्कशॉप के नाम पे। तो ऐसे करके हम लोग घूमे, उसकी रिकॉर्डिंग की सब शहरों में, सिर्फ बनारस में नहीं जा पाए थे। फिर जाके ये रिकॉर्डिंग करी, एडिट नहीं करा मैंने कुछ। फिर जाके 2012 में एक वीरेंद्र कुंडू करके अपने यहाँ के, तो वो फिल्म डिवीजन में जो है ना डायरेक्टर जनरल हो गए थे। मैंने बोला कि मैंने इतने सालों से ये किया है, वो मेरे पास मटेरियल है करीब 500 घंटों का जो हमने रिकॉर्डिंग की है, इसका कुछ किया जाए। तो उन्होंने बोला तुम हर शहर पर अलग अलग फिल्म बनाओ, और तो एक बनारस मैंने किया नहीं था। तो बनारस क्या हुआ था कि 1920 में फाल्के का जो है ना अपने प्रोड्यूसर के साथ, फाइनेंशियर के साथ डिस्प्यूट हो गया था, तो इन्होंने तिलांजलि दे दी थी सिनेमा को। बोला कि अब सिनेमा मेरे लिए मर चुका है, मैं बनारस जाके थिएटर करूँगा। तो वहाँ उन्होंने एक 7 घंटे का एक नाटक लिखा रंगभूमि करके, और वहाँ रहे 2 साल। लोग वाग ढूंढते थे कहाँ गया है, कहाँ गया है, तो अखबारों में छपा कि फाल्के डेड, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला मैं मर चुका हूँ सिनेमा के लिए, तो वहाँ हेडलाइन ऐसा फाल्के डेड करके। तो ये मौका मिला तो मैंने, मेरे पास प्ले था ये 7 घंटे का, मेरे पास उनके हैंड राइटिंग में वो प्ले है 7 घंटे का जो। तो फिर मैंने हम लोग बनारस गए, सृष्टि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वहाँ वर्कशॉप की। तो वो जो रंगभूमि जो है, वो जो 2 साल है जो उनका जीवन है फाल्के में, उसको ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, उसको रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ रहे होंगे, क्या करते होंगे, थिएटर कौन सा होगा, इस तरह का फिल्म। मतलब तो फिर ये डॉक्यूमेंटरी भी हुआ और फीचर भी हुआ आपने इसमें, मतलब फिक्शनल? फिक्शन है, क्योंकि ये जो कल्पना कर रहे हैं ये जो छात्र हैं, पर हम पहले तो मैं चाहता था कि पूरा जो प्ले है उसको स्टेज करूं, पर इतना सोर्सेज नहीं था हम लोग को, तो स्टेज नहीं किए। पर उसमें जो है ना टेक्स्ट पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ,
तो अद्भुत है, मतलब फैंटेसी भी है, फिक्शन भी है, घटित भी हो रहा है, कुछ जासूसी की तरह भी है। और एक वहाँ मेरा एक दोस्त था तो उसने पूरा बनारस का मिनिएचर बनाया हुआ है पत्थर में, तो उसको हमने जो है ना स्टेज की तरह यूज़ किया। और मैं और एक लड़की और हंसा, हम लोग वो टेक्स्ट पढ़ते थे तो उसको हम लोगों ने उसमें स्टेज में क्रोमा करा, तो बड़ा अद्भुत लगता है। मतलब बनारस है और कोई है नहीं वहाँ, खाली पत्थरों का एक बनारस है, घाटों का। और हम तीन चार जो है ना एक्टर, वो जो कि है ना फाल्के का रीडिंग कर रहे हैं, और पब्लिक कोई नहीं, क्योंकि वो मिनिएचर है पत्थर का, ऐसे पत्थर का, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। वो फिक्शनलाइज आप बोल सकते हो कि क्या है। तो मतलब ये कम से कम 15-20 साल आपको लगा ये पूरा? 20 साल। तो जब ये रंगभूमि तो मतलब ये आपको मतलब प्रोड्यूस कौन किया? ये फिल्म डिवीजन वाले। तो जब ये स्क्रीनिंग हुआ तो मतलब कैसे रिस्पॉन्स किसा है? बहुत अच्छा हुआ, रंगभूमि को तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। तो चैनल 4 ने खरीदा इसको रोम में, बहुत अच्छा लगा। तो इसको मतलब बड़ा महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है रंगभूमि, अबाउट सिनेमा, तो है भी बहुत बड़ी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है फिल्म। तो आप फाल्के को मतलब पूरा ही इंडियन सिनेमा का जो 100 साल हो चुका है, अब सेलिब्रेशन हो रहा था पिछले 2-3 सालों में, तो फाल्के को हम जानते हैं कि वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, और आपके लिए वो ब्रह्मा भी है इंडियन सिनेमा का। हाँ, तो फाल्के की लाइफ में कौन सा क्षण या कौन सा एपिसोड आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है सिनेमा और फाल्के को लेकर? मतलब एक तो एक बहुत अद्भुत बनारस में जो घटना है, जब ये बनारस गए थे तो बड़े चिंतित रहते थे, सब छोड़ छाड़ दिया था इन्होंने, तो ये इनका एक घटना है कि इनका दो लड़के जो हैं, तो छोटे बच्चे हैं, तो इनकी माँ ने कुछ उनको बोला कि तू जाके कुछ खरीद के ला मार्केट से। तो महादेव एक और प्रभाकर, शायद दो लड़के हैं, तो शायद प्रभाकर 3 साल का होगा, महादेव शायद 9, 10 या 11 का कुछ होगा। तो गए मार्केट में, तो महादेव ने उसको बोला कि तू यहाँ रुक और मैं आता हूँ छोटे बच्चे को, मतलब भाई को। तो प्रभाकर वहाँ रहा, तो महादेव गया, तो वो महादेव लौटा नहीं, तो ये लड़का घबरा गया, तो रोने लगा बीच मार्केट में बनारस के। महाराष्ट्रियन लड़का है, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती हिंदी की, तो एक मराठी लड़का वहाँ से गुजर रहा था, उससे 1-2 साल बड़ा, तो उसने जब छोटे बच्चे को रोते हुए देखा तो इसने उसको अपने घर ले गया। तो जो दूसरा जो मराठी लड़का था, उसकी माँ उसको देखी तो बोले कि इसको कहाँ से ले आया तू? अभी वो घबरा गई कि भाई हम पे कोई आरोप लग जाए, कुछ हो जाए, कौन लड़का है, अनजान लड़का है। तो उसको बोला तू जाके वहाँ उसको छोड़ के आ, जहाँ से उठा के लाया। तो ये उसको फिर से उठा के ले गया, फिर उसका भाई आया। तो उसमें क्या हुआ कि ये धूप में जो महादेव है उसका सर गर्म हो गया, तो वो जाके बेहोश हो गया और उसको घर ले जाया गया, तो उसकी डेथ हो गई। तो ये जब डेथ हो गई तो पूरी फैमिली आई, मतलब उसको जलाने के लिए, तो फाल्के भी आए, तो फाल्के बड़ा दुखी हो गया, और वो जाके उधर ही लाश वाश जल गई, वो वहीं बैठा रहा वो। तो बाकी सब बच्चे जो है ना आए कि उसको घर ले जाएं, 8 बच्चे थे इनके, तो ये गए नहीं, बहुत दुखी था, क्रोधित भी था साथ में। तो इसने अपने सारे बच्चों को एक घेरे में खड़ा किया, मतलब एक साथ खड़ा किया, और अपनी धोती जलाई और उसकी राख से घेरा बनाया, और बोला कि तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। तो बहुत अजीब सी घटना है इसके जीवन। और एक जब 1912 में ये इनका क्या हुआ था कि
जिनका डिस्प्यूट हो गया था अपने जो प्रिंटिंग कंपनी का जो पार्टनर मतलब मालिक था, तो इनको कुछ ऐसा होता मतलब पॉलिसी के वजह से कुछ हुआ था, तो इन्होंने रिज़ाइन किया। तो उसने बोला रिज़ाइन मैं कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि अगर आपने प्रिंटिंग मतलब हमारी कंपनी छोड़ दी, तो इसका मतलब है कि आप प्रिंटिंग संसार जो है, छपाई का संसार जो है, उससे बाहर निकल जाएंगे। आप किसी जगह काम छपाई के संसार में काम नहीं कर सकते हैं, प्रिंटिंग में। ये इसके कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि इसी आदमी ने उसको जर्मन भेजा था पढ़ने के लिए, तो उसने कबूल नहीं किया। तो ये है ना, धीरे धीरे अंधे होते गए फाल्के। तो फिर भी वो आता था, उसको पैसे देने आता था घर पे कि मैं कबूल नहीं। ये बोला कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, तो मैं जो ये प्रिंटिंग है इसके संसार से तो बाहर जा चुका हूँ, अभी भी क्या है। तो फिर भी ये मानता नहीं था इसका सेठ, जो ये तो बोला मैं तो बाहर आ गया हूँ। फिर आँखें लौटी इनकी, इन्होंने बोला अब मैं करूँ क्या। तो इनको बोला कि अच्छा मैं फिल्म करूँगा, जिन्होंने पहली फिल्म जीसस क्राइस्ट देखी थी। तो अब ये है कि ये अपने वचन के पक्के रहे कि नहीं रहे फाल्के, क्योंकि प्रिंटिंग और जो फिल्म है इनके जो कानून हैं एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि उनको भी ये उनको भी फिल्में भी छपती हैं, प्रिंटिंग भी छपती है। तो अगर इन्होंने अपना वचन तोड़ा कि नहीं तोड़ा, क्योंकि दोनों के कानून एक ही हैं प्रिंटिंग और फिल्मों के, तो मतलब इन्होंने पूरी तरह से जो अंकन और छपाई का काम छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये मतलब झूठ बोला क्या। तो एक ये है, ये बड़ी बहुत ये अंधे हुए हैं बुढ़ापे में, इनकी स्मृति लोप हुआ तो सब कुछ भूल गए थे, सिर्फ बचपन की बातें याद रखते थे। तो बहुत ड्रामेटिक लाइफ है। राजा रवि वर्मा के साथ क्या है कि एक तो ये जब जेजे में तो पढ़ते थे, तो वहाँ राजा रवि वर्मा बॉम्बे रहते थे, तो ये राजा रवि वर्मा तो स्टार हुआ करते थे, तो ये बच्चे लोग जो है ना उनके जानकार थे। और सारी फिल्में जो इन्होंने बाद में बनाई हैं वो जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं उन्हीं से प्रभावित होकर बनाई हैं। फिर बड़ौदा में जब ये पढ़ते हैं तो राजा रवि वर्मा वहाँ अपनी वो जो महाभारत की रामायण की सीरीज है वो बना रहे हैं वहाँ महाराजा बड़ौदा के लिए, शाहूजी महाराज के लिए। और फिर लोनावाला में उनकी प्रेस है राजा रवि वर्मा की 1906 के आसपास, चार छः। तो ये फाल्के वहाँ शिफ्ट हुए हैं 1900 करीब कुछ शिफ्ट हुए हैं, तो राजा रवि वर्मा का भी स्टूडियो साथ में, इनका भी स्टूडियो साथ में है। तो राजा रवि वर्मा का जो एक्स्ट्रा काम है वो फाल्के को आता है, फाल्के लिथोग्राफी कुछ ऐसे प्रिंटिंग प्रेस। तो इनका तो है मतलब अब माना जाए तो मतलब रवि वर्मा का जो ट्रेडिशन है वो फाल्के ही आगे बढ़ा रहे, मेंटर की तरह। तो अगर फाल्के का राजा हरिश्चंद्र जितना भी हमको पढ़ने में आता है पुणे फिल्म आर्काइव में, जितना भी फुटेज अभी बचा है चलने के बाद, खराब होने के बाद, सब रेस्टोर के बाद, अगर आपको बोला जाए कि उसी चीज़ को, मतलब एक तो ऑलरेडी एक फिल्म बन चुका है मेकिंग ऑफ हरिश्चंद्र, पर अगर आपको बोला जाए कि फिर से हरिश्चंद्र की करने के लिए, तो आप करेंगे, और करेंगे तो किस तरह से करेंगे? नहीं, मैं हरिश्चंद्र तो नहीं, हरिश्चंद्र तो एक तो क्या है कि उसमें भी यही वाला है, एग्जाइल वाला है, क्योंकि मतलब मैं छोड़ दिया सब, वो प्रिंटिंग वाला ही हो गया है सारा, उसी तरह की कहानी है वो। कि उसमें एक तो बहुत अच्छी बात है कि ये सपने में इसको विश्वामित्र दिखता है और इस सपने में राजपाट देता है, तो फिर जो जागता है और अपनी रानी को बोलता है कि मैंने जो है ना मुझे सपना आया कि मैं एक ब्राह्मण है, उसको मैंने दे दिया है सब कुछ, तो अब मैं क्या करूं, वो कहां से ढूंढूं उस ब्राह्मण को। तो वो ब्राह्मण आ जाता है, तो रानी बोलती है कि तो सपना है, तो सपना क्या है, तो सपना है, तो बोला नहीं सपना हो या वास्तव में हो, है दोनों सत्य, अगर सपने में भी मैंने दे दिया तो मुझे देना पड़ा। तो ये वो एंगल एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो
अंबेडकर की कथाओं में भी आते हैं, दिवोदास दास और उसी के, और किस तरह से चंडाल बनते हैं, तो एक अंबेडकर टेक में लूँगा उसमें। बाकी ये एग्जाइल वाला जो है वो टेक में लूँगा, पर अधिक मेरे को इंटरेस्ट होगा बनाने में जो इन्होंने फिल्म बनाई है वो कालिया मर्दन, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बेटे ने काम किया उसमें मंदाकिनी कृष्णा का रोल, तो वो जो कालिया मर्दन की जो इमेज बनाई है जो बहुत सुंदर है और बहुत प्रचलित है वो इमेज, उसके स्कल्पचर्स भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, तो वो किस तरह से उसने बनाया, मतलब उसका प्रोडक्शन कैसे, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को पूछता था कि अपने आज अगर ये इमेज बनानी है तो कैसे करेंगे, बहुत कठिन है वो, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किस तरह से अपनी बेटी को उसने सिखाया वो, तो काले मर्दन है। फिर जो गंगा अवतरण है वो बड़ी अद्भुत है, ये जब करीब हो गए थे 65 के हो गए थे करीब, तो इनको महाराजा कोल्हापुर जो है ना उन्होंने बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए और एक फिल्म बनाइए, तो ये गए वहाँ तो उन्होंने बताया नहीं, फिर बाद में डिसाइड किया कि अच्छा मैं गंगा अवतरण बनाऊँगा शिव जी का। तो इन्होंने अभी हिमालय तो जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या बोला कि मैं हिमालय को कोल्हापुर बनाऊँगा, तो उन्होंने एक पहाड़ी थी उस पहाड़ी को उन्होंने चूने से सफ़ेद किया पूरा की पूरा, जैसे कि हिमालय लगे, मतलब पेंट करा वाइट और हिमालय लगे, वो सब हंसते थे कि तो स्टूडियो में क्यों नहीं करते हो, बैकड्रॉप करो ये, पर इनको आउटडोर स्टूडियो का बड़ा था, तो उन्होंने पूरे पहाड़ को सफ़ेद कर दिया हिमालय लगे। फिर जब ये शूट करते थे गंगा, मतलब अवतरण का दृश्य जो, तो उस रात को वहाँ बारिश हो गई और सारा का सारा जो चूना जो है ना वो धुल गया, उस नंगे हो गए पहाड़। फिर ये बचाने की कोशिश में तो पूरा पहाड़ की मोम जामे लगा के ये कवर करके, उसके बाद थोड़ा सा वो सटक गए वो, तो वो सीन जो है ना कि हिमालय दर्शाना है और पूरी कोल्हापुर की पहाड़ियाँ इन्होंने जो है ना सफ़ेद पेंट की, वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो उस पर बनाना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मेरी जो स्क्रिप्ट है वो तो बहुत लंबी चौड़ी और बचपन से और मृत्यु तक है, तो हर कोई सा भी कालखंड ले लो इनके जीवन का, उसको पूरी एक फीचर फिल्म बन सकती। क्योंकि ये सेल्फ ट्रेंड है, ये भी एक बार लंदन गया थोड़ा बहुत सीखा हो, तो मुझे लगता है कि, और अभी क्या है कि इनको इतना समय लगा सिनेमा सीखने के लिए, कि मतलब कि बचपन से शास्त्र हैं, कहानियां हैं, फिर ड्राइंग है, ट्रेसिंग है, थिएटर है, सारी विधाएं जो हैं जो कि फिल्मों में आती हैं, वो इनको तो काफ़ी समय लगा। आज के ज़माने में सारी विधाएं जो है ना एक बालक जो है 3-4 साल में इकट्ठी कर सकता है, तो वो तो देखो घर घर में फालके हैं अभी तो, और ये कैमरे निकल गए हैं तो घर घर में फालके पैदा हो रहे हैं अभी तो, सब ऐसा ही हो रहा है, छोटे शहरों में 4 दोस्त मिल के शुरू हो जाते हैं। जी थैंक यू। क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि जिसको सेंस, अगर आप मतलब लोग बाग को चुदाई वगैरह कर रहे हैं तो करने दो, क्या है कुछ देख रहा है तो देखने दो, क्या है तुम्हारे बाप का क्या जाता है यार, पूरा हिंदुस्तान देखे भाई एक साथ बैठ के, कोई देख ही रहे हैं ना नेट पर, तो बैठ के देखते रहे कुछ भी करे, फ़र्क क्या पड़ता है मेरे को, सिर्फ ये है कि मतलब कोई जो अच्छे लीडर वीडर है, महात्मा लोग हैं, उनको गाली गलौज मत करो कि तू चूतिया है, मतलब पब्लिक के सामने वो सही नहीं, वो प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल हो जाता है कि आपने कोई फिल्म में खुलेआम गाली दे रहे हो, गांधी ऐसा था, मदर चोत था, ये वो था, ऐसा कुछ नहीं, शालीन रहो थोड़ा, मतलब सेक्स में तो सब शालीन ही रहते हैं, सेक्स तो अपने आप में शालीन चीज़ है उसमें तो कोई बुराई है नहीं, प्राकृतिक है, और उसमें बोलेंगे नहीं साहब तरह तरह के सेक्स होते हैं, अभी ठीक है वो भी अप्राकृतिक प्राकृतिक, अभी भगवान ने दोनों ही बनाया था, अभी क्या करेंगे आप, तो इसमें मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी मतलब प्यार सेक्स और ये सब
मतलब इनको लेके अगर छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इंडियन थिएटर और फिल्म में, अगर सपोज दो बिंदु लेते हैं विजय तेंदुलकर से लेके कमल स्वरूप, हाँ, तो अगर इसमें आपको क्या लगता है कि ये अगर इन बिंदु में से एक बिंदु के अंदर जितने भी सेंसरशिप हो चुका है अभी तक इंडिया में, आपको लगता है कि सेंसरशिप ही रहना चाहिए? नहीं है, मुझे लगता है कुछ ज़रूरत नहीं है, सभी बोलते हैं कुछ सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है कि खुद सेंसर करो कि भाई देखो गाली गलौज नहीं करो बस, मतलब जिससे कि तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ हो कि मतलब कि तुमने अपनी पर्सनल लाइफ की खुंदस तुम्हारे किसी व्यक्ति के साथ या किसी पुरुष आदर्श पुरुष के साथ थी तो तुमने वो मत करो, बाकी क्या 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 कर क्या सकते हो तुम जो सेंसर। अभी जैसे घाशाराम कोतवाल है उसको सेंसर करा माना विजय तेंदुलकर का, उसमें ऐसा है क्या? और या सखाराम बाइंडर इस तरह के, मुझे नहीं लगता है कुछ। जो समाज को गाली देना कि भाई ये ब्राह्मण को गाली दे रहा था, या उधर मतलब सेंसर भी यही है कि आप वायलेंस पे वो सेंसर नहीं करते हैं, खूब धीरे धीरे मारो, कितना भी मारो, फोड़ दो, खून निकाल दो, गर्दन काट दो, वो कुछ उनको वायलेंस पे कोई चिंता नहीं। सेक्स पे भी इतना धीरे धीरे किसिंग विसिंग चालू हो गया है उधर, कोई इतना नहीं है। शुरू में गाली गलौज अलाउ नहीं था, मादरचोद बहनचोद चूतिया वो भी अब भी चालू कर दिया है। सिर्फ एक तो आप कास्ट पे कुछ उंगली नहीं उठा सकते हो कि हे चमार भंगी साले, वो नहीं होगा। और रिलीजन पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा भगवान गलत है, तुम्हारा ये है, वो नहीं कर सकते हो। ये दो चीज़ के बारे में वो टची है, और बाकी तो मुझे लग सेक्स वाले का तो कुछ है ही नहीं, अब तो फुल चलता है। तो आपका आपने बोलते कि आपकी फिल्म में आप इमेजिनेशन या इमेजिनेशन एज ए कॉन्सेप्ट को लेके आप बहुत इंटरेस्टेड है, और उसमें बार बार आप ये हिंदू माइथोलॉजी को लेके आते हैं, तो ये और इसमें आप प्रॉब्लम भी फंस भी जाते हैं कभी कभी, पर आपका इतना हिंदू माइथोलॉजी के प्रति इतना प्रेम क्यों है, मतलब माइथोलॉजी को लेके ये क्यों है आपका इतना? क्योंकि ये जो जो उनकी कल्पना है, मैं उसके पीछे उसके कारण क्या है और वो कल्पनाएं किस तरह से आई है, क्यों आई है, वो मतलब मुझे रहस्यमय लगती है। तो मैं वो जो रहस्य हैं जिनके आलोक में मैं बड़ा हूँ पला हूँ, मैं उनका रहस्य जानना चाहता हूँ। तो अभी थोड़ी बुद्धि आ गई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कोड क्या है, ये भाषा क्या है, जो मैं तो क्या हम, क्योंकि हम तो उसी में पले तो उसी में है ना, बचपन से पुराण वुराण पढ़ा हूँ, तो उसमें उनका कोडिंग किस प्रकार का है मैं उसको खोलना चाहता हूँ और अपने तरीके से उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि अपन जीवन का क्या रहस्य है वही तो सुलझाने के चक्कर में रहते हैं ना, एक बार अगर पता पड़ जाएगी जीवन क्या है तो या तो आप शांत हो जाओगे या बहुत आनंदित हो जाओगे। तो या मैं भी अपने आप को या तो आनंदित करता हूँ जब मैं कोई चीज़ समझ में आ जाती है, या कुछ शांत होना चाहता हूँ, या अगर इन पुराणों से मतलब जो राग और रोग दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है ना, तेरे को फिल्मों की बीमारी है, तेरे को फिल्मों का रोग लग गया है, वो राग भी है पैशन भी है एक ही है, तो रोग भी है राग भी है, तो देखूं तो सही, मतलब अगर मुझे रोग लगा है माइथोलॉजी का पुराणों का फिल्मों का और वो मेरा राग भी है तो मैं उसका इलाज भी ढूंढूंगा ना। मतलब मैं पहला कश्मीर में हुआ और हम लोग कश्मीर से, मैं 5 साल का था 6 साल का जब कश्मीर निकले, तो हम लोग करीब 7 भाई बहन, तो पिताजी वहाँ से छोड़ के कश्मीर हम राजस्थान में आ गए, तो राजस्थान में घूमते रहे, ट्रांसफ़र होते तो पिताजी सरकारी नौकर थे सोशल डिपार्टमेंट में, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, फिर पंचायत में, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता तो घूमते रहते थे, फिर फाइनली अजमेर में आए, फिर वहीं रिटायर हो गए और मेरे भाई भाई भी सब वहीं पढ़े, फिर वहाँ से मैं पूना गया, पूना में डायरेक्शन किया, फिर वहाँ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है
तो वहाँ एक 74 में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक नासा का एक सैटेलाइट आया था, उसके थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम देश भर में दिखाए जाते थे, तो हम लोग साइंस एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाते थे, तो मैं प्रोड्यूसर था। उसके बाद हम लोगों ने एक फिल्म कोऑपरेटिव खोली थी, युक्त फिल्म कोऑपरेटिव, उसमें हम लोगों ने 2 फिल्में बनाई थी, घाशीराम कोतवाल और अरविंद देसाई। उसके बाद ऐसा गांधी पिक्चर में काम किया, फॉरेन की पिक्चर में बहुत काम किया मैंने असिस्टेंट के तौर पे, रेजर्स एज, गांधी, और जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी ऑक्टोपुसी, उदयपुर में ऐसा फिल्मों में काम करता था, अच्छा पैसा था। फिर जाके उमदर बदर बना है। एक तो क्या था कि कंपटीशन नहीं था उन दिनों FTI में, और सबकी इच्छा होती है यार घर से बाहर निकलो, हॉस्टल में रहना, तो एक तो वो था। दूसरा क्या था कि ये हम लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते थे, तो वहाँ उन दिनों समांतर सिनेमा उसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी, मणिकौल, कुमार सानी, इनका नाम सुनते थे, मृणाल सेन, तो मैगजीन आती थी धर्मयोग, इन चीज़ों में, तो पैरेलल सिनेमा, तो हम लोग समझे कि अभी FFC, तो अभी सोचे कि यार बिना इंडस्ट्री के भी जाए, ये एक अलग ग्रुप निकल रहा है और एक तरीका है जिसमें अपन जाके कुछ जाए तो फिल्म विल्म बना सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो एक मतलब एक तो घर छोड़ने का लालच, मतलब और सस्ता था FTI, और दूसरा प्रसिद्ध होने की इच्छा तो सबको होती है, तो एक प्रसिद्ध होने का एक तरीका था ये। मतलब उस समय तो मतलब क्राउड में मेरे को हमेशा इंटरेस्ट था, कि मेरे पिताजी भी मेला इंचार्ज हुआ करते थे, वो मेले ऑर्गेनाइज करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है, मेला चल रहा है, लोग घूम रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, तो सबको, तो मुझे बहुत बचपन से शौक था। धीरे धीरे अब तो मतलब मैं प्रोफेशनली ले लिया इसको, गांधी में जैसे क्राउड अरेंजमेंट करना, पर मुझे भीड़ में लोग बहुत हों मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अकेले ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि मैं घबराता नहीं हूँ भीड़ से। बॉम्बे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोग हैं, और करीब करीब आप देखो जैसे छोटे शहर में भूतों का डर लगता है, होता है ना, कोने में भूत छुपा है उधर, और जो बड़े शहर होते हैं जहाँ भीड़ होती है वहाँ भूतों का डर गायब हो जाता है, तो वो भी एक है। फिर इलियास कैनेटी का किताब पढ़ा तो मैं समझा फिर कि भीड़ क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, मास मूवमेंट क्या होते हैं, गांधी से मास मूवमेंट का आइडिया भी आया, तो और ऑडियंस भी मास होती है, तो मेरे को एक इंटरेस्ट आया है सब्जेक्ट में, तो अब मैं उसको मतलब उस पर ज़्यादा स्टडी करता हूँ। अब क्या कि बना दिया, अभी अगर सेंसर नहीं हुआ तो मतलब कि वो नुकसान तो होता है, आर्थिक रूप से नुकसान तो होता है, पर अगर वो जो सेंसर वाले 5-6 लोग होते हैं, फिर अगला कुछ रिव्यू कमिटी होता है वो भी 5-6 होते हैं, अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं है तो मैं क्या करूँ, मतलब झगड़ा तो नहीं कर सकता ना, तो आप फॉलो करते हो, कोर्ट में चले जाते हो, अभी मैं अगर वहाँ जाके उनको गाली गलौज करने लगूँ, ये करूँ, तो पागल ही हो जाऊँ, मारा जाऊँगा ना, तो पर और साथ में खराब भी लगता है कि यार कुछ है नहीं ऐसा, मतलब कोई सेंसर करने वाली कोई बात है नहीं, ना कोई सेक्स है, ना कोई वायलेंस है, ना कोई कुछ गंदी बातें हैं, कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं, ना हम लोग पॉलिटिकल हैं उस हिसाब से, तो मतलब बड़ा अजीब लगता है कि यार बड़े मूर्ख हैं यार ये लोग, मतलब किस कारण कर रहे हैं ये। पर बाकी अब ये तो मैं है नहीं कि झंडा लेकर निकल जाऊंगा सड़क पर कि मैं मेरी पिक्चर सेंसर ने रोक दी, मतलब हंसते हैं हम लोग तो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हंसते हैं। फिर बाकी क्या होता है कि कमर्शियली नुकसान हो रहा हो ये, तो अभी मैं तो क्या है कि कभी कोई ऐसा कुछ कमर्शियल था नहीं जीवन में कि घर बना लूँगा या बहुत बड़ा पैसे के हिसाब से, पैसे का मेरे को इतना कुछ कभी था नहीं।